हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी जम्मू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एमसीक्यू से रिलेटेड मैं फोर्थ सेशन आपके साथ लगाऊंगा, तो आज का जो सेशन है ये हमारा फोर्थ सेशन है। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मैंने इन फोर्थ सेशन में कवर किए हैं। अब एमसीक्यूज के सेशन को हम थोड़ा ब्रेक लगाएंगे और कल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू होगा। तो यानी कि कल से हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो जर्नल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका सब्सिडरी बुक्स का, सब जर्नल का, क्योंकि एक सिस्टमेटिक मैनर में हमें यहाँ पे आगे चलना है ताकि आपको भी अकाउंटिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको। इसलिए यहाँ पे जो है सिस्टमेटिक मैनर में मैं आपको सारे टॉपिक्स जो है करवाऊंगा वन बाई वन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा सब्सिडरी बुक्स का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो है एमसीक्यूज का सेशन जो है उसको फॉलो करेगा। तो चलिए आज ये सेशन हम कंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं कि आज के जो एमसीक्यूज हैं उनके क्या क्या अप्रोप्रिएट आंसर्स होंगे। चलिए नंबर वन इसमें आ गया, कहता है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि लैंडलॉर्ड को अगर रेंट ड्यू है वो कौन से अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। फोर ऑप्शन हमारे पास हैं, ए पार्ट लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, बी पार्ट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सी पार्ट कैश अकाउंट एंड डी पार्ट रेंट अकाउंट। तो अब हमें बताना है यहाँ पे कि जो रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड को वो कौन से अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। तो अगर यहाँ पे जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई आपको एमसीक्यूज आता है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसकी जर्नल एंट्रीज कर लें और उसके बाद देख लें किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आसानी से हम अप्रोप्रिएट आंसर जो है ढूंढ सकते हैं। अब अगर रेंट ड्यू होता है लैंडलॉर्ड को तो इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, एक रेंट हो गया दूसरा लैंडलॉर्ड हो गया। अब रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। लैंडलॉर्ड जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल क्लास अप्रोच के मुताबिक हम करें तो लैंडलॉर्ड जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द सेवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड कौन है, क्योंकि हमने यहाँ पे लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं किया, उसका रेंट ड्यू है। इसका मतलब एक तरह से हमने लैंडलॉर्ड का पैसा अपने पास रखा हुआ है, तो लैंडलॉर्ड जो है हमें बेनिफिट दे रहा है तो वो गिवर है और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यानी कि यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करना है। बट मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक्सपेंस वाली एंट्री में किसी व्यक्ति का अकाउंट हम ओपन नहीं करते, इसलिए लैंडलॉर्ड का अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने वाला आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हम ओपन करेंगे। यानी कि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हम एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और वो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने पेमेंट करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेंट हमारा ड्यू है उसके लिए हम यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो एंट्री बनती है हमारी रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोर ऑप्शन हैं इसमें क्या आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो देखिए बी पार्ट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट का हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कैश अकाउंट इसमें नहीं है, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, और रेंट जो है ये हमारा एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी पार्ट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है इनकम टैक्स पेड इज डेबिटेड टू। इनकम टैक्स आपने जो पे किया है वो आपने किस अकाउंट में डेबिट करना है। फोर ऑप्शन हमें दे रखी हैं, इनकम टैक्स अकाउंट, बी पार्ट ड्राइंग्स अकाउंट, सी बैंक अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। अब एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि जो इनकम टैक्स होता है ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, क्योंकि बिजनेस है जो भी वो इनकम अर्न करेगा, बिजनेस से इनकम अर्न करके अपने घर पे लाएगा तो वो उसकी यहाँ पे पर्सनल इनकम बन जाती है। यानी कि बिजनेस जो है उसको इनकम अर्न करके देगा, उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स ओनर ने पे करना है तो वो उसका पर्सनल टैक्स होगा, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इनकम टैक्स जो है ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, क्लियर है, नंबर एक। नंबर दो, ओनर जो है बिजनेस से कुछ भी निकालता है, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालता है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसेट निकालता है, या अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस की कैश के साथ पे करता है, इन सब को हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं। इसलिए ओनर अगर अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे जो है पे करेगा बिजनेस की कैश के साथ, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे उसका कोई अपना मेडिकल एक्सपेंस है, चाहे वो बच्चों की ट्यूशन फी पे कर रहा है,
चाहे वो LIC प्रीमियम पे करे अपना, तो ये सारे के सारे जो उसके पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस की कैश से पे हो रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक तरह का यहाँ पे क्या हुई ड्राइंग्स। तो इसलिए यहाँ पे जो है इनकम टैक्स जो उसने पे किया है, तो इनकम टैक्स पे हम किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? इनकम टैक्स अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो है ये ओनर का पर्सनल अकाउंट पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी ड्राइंग्स हैं, और जब जब ओनर ड्राइंग्स करता है तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट ड्राइंग्स। ना यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा ना नन ऑफ दीज है, तो इनकम टैक्स जो उसने पे किया वो सीधा उसके ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है ओपनिंग एंट्रीज पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर सेकंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर थर्ड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, नंबर फोर ओपनिंग ऑफ न्यू बिजनेस। कहता जो ओपनिंग एंट्री है वो आप कब पास करते हो? क्या वो ईयर के लास्ट में हम पास करते हैं जब अकाउंटिंग हमारा क्लोज होता है तब पास करते हैं, या बिगनिंग में पास करते हैं, या हर महीने की बिगनिंग में पास करते हैं, या जब नया बिजनेस हमने स्टार्ट करना है उसमें पास करते हैं? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपनिंग एंट्री जो है हम अकाउंटिंग के बिगनिंग में पास करते हैं, क्योंकि जब हमारा अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय जितने भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए होते हैं वो सारे हम क्लोज करते हैं। अब उनमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं? उनमें हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होते हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, और इनकम अकाउंट होता है। इनके अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं होता। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट के जो बैलेंस है वो सीधे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं और वो अकाउंट वहीं पे क्लोज हो जाते हैं। जबकि एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट के अगर बैलेंस हैं, यानी कि जब इन अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं और इनमें कोई बैलेंस निकलता है तो इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले जो पुराने बैलेंसेस हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं पहले हम यहाँ पे उनकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और उनको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो मतलब ओपनिंग एंट्री कब हम पास करते हैं? बिगनिंग में। जब भी हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है तो बिगनिंग में हम यहाँ पे जो है ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे अब करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो यानी कि एंड में हम करते ही नहीं है, हर महीने की बिगनिंग में पास नहीं करते, जब नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उस समय भी ये एंट्री नहीं होती है। उस समय तो रूटीन में जो एंट्री आएगी वो डेट वाइज रिकॉर्ड होंगी। तो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बन गया बिगनिंग ऑफ द ईयर। नंबर फोर कहता है LIC प्रीमियम पेड बाय प्रोप्राइटर विल बी डेबिटेड टू। LIC प्रीमियम जो प्रोप्राइटर ने पे किया, ओनर ने पे किया, वो किसको डेबिट होगा? फोर ऑप्शन हमारे पास है, LIC प्रीमियम अकाउंट, नंबर सेकंड सेंडरी एक्सपेंसेस अकाउंट, नंबर थर्ड ड्राइंग्स अकाउंट, नंबर फोर इंश्योरेंस अकाउंट। अब LIC प्रीमियम जो ओनर ने पे किया है वो कौन से अकाउंट में हमें यहाँ पे जो है डेबिट करना है? अभी मैंने आपको बताया इनकम टैक्स वाले केस में कि ओनर यहाँ पे अगर अपना कोई भी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस की कैश के साथ पे करता है तो उसको हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं। तो LIC प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसने पे किया वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं होता। जो बिजनेस के एसेट्स का या गुड्स का या किसी का भी बिजनेस का इंश्योरेंस होता है तो वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, उसको सिंपल हम इंश्योरेंस बोलते हैं। तो LIC अगर प्रीमियम ओनर पे कर रहा है इसका मतलब उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और उसके ऊपर जो भी प्रीमियम पे करेगा वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। अगर वो बिजनेस की कैश के साथ पे करता है तो ड्राइंग्स। तो इसलिए यहाँ पे जो LIC प्रीमियम उसने पे किया है वो सीधा हम कहाँ डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट में। तो यानी कि LIC प्रीमियम अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे इसके लिए, सेंडरी एक्सपेंस में तो ये आएगा नहीं, और ना ये इंश्योरेंस अकाउंट में आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब हो गया जनरल इंश्योरेंस, जो हम बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो उनके गुड्स का है, चाहे वो एसेट्स का है, चाहे मशीनरी का है, तो वो इंश्योरेंस अकाउंट में आता है। बट ये LIC इंश्योरेंस है, LIC प्रीमियम है, तो इसलिए यहाँ पे ये पर्सनल एक्सपेंस है प्रोप्राइटर का, तो ये सीधा ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या है? सी पार्ट, यानी कि ड्राइंग्स। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस है और कभी भी वो गलती से हम यहाँ पे जो है अपने उसको बिजनेस का एक्सपेंस मान के बुक में रिकॉर्ड ना कर लें। नेक्स्ट कहता है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड टू। जो बिल्डिंग की रिपेयर्स हैं वो हमें किस में डेबिट करना चाहिए? फोर ऑप्शन है, रिपेयर्स अकाउंट, बी पार्ट बिल्डिंग अकाउंट, सी मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट,
एंड डी कैश अकाउंट। अगर रिपेयर करवाते हैं बिल्डिंग की वो कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। अब याद रखना, अगर हमने कोई सेकेंड हैंड बिल्डिंग परचेज़ की है, परचेज़ के टाइम उसकी अगर हम रिपेयर्स करवाते हैं ताकि यहाँ पे जो है बिल्डिंग जो है हमारे काम आने के लायक हो जाए, उस समय हम जो भी रिपेयर करवाएंगे वो सारा का सारा एक्सपेंस वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर हमारी यहाँ पे रूटीन में रिपेयर्स चल रही हैं, एनुअल मेंटेनेंस हम करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग की, वो जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, वो जो एनुअल रिपेयर्स होंगी, वो हम रूटीन का एक्सपेंस मान के उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे रिपेयर कौन सी हैं। जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि भाई आपने रिपेयर्स जो है बिल्डिंग की परचेज़ के टाइम आपने यहाँ पे जो है पे किए हैं, यही मान के चलेंगे कि जो रिपेयर्स हैं ये एनुअल रिपेयर्स हैं, तो उस केस में ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, और रेवेन्यू एक्सपेंस जब भी हम इनकर करते हैं उसी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग के रिपेयर के लिए जो हमने खर्च किया है उसको हमें यहाँ पे रिपेयर अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए। इसलिए हमारा यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो ए पार्ट, यानी कि रिपेयर्स अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में हम तब डालते हैं जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो आएगा नहीं। मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट में भी नहीं आएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में हम वो एक्सपेंस डालते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और जिनके लिए कोई हम अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो वो छोटे छोटे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए या तो मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये अकाउंट भी यहाँ पे नहीं आएगा, और कैश को तो हम डेबिट करेंगे नहीं क्योंकि कैश तो हमने पे किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो ए पार्ट है, यानी कि रिपेयर्स अकाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टू फोल्ड एस्पेक्ट इज कॉल्ड डबल अकाउंट सिस्टम, बी पार्ट टू फोल्ड सिस्टम, सी पार्ट डबल इफेक्ट सिस्टम एंड डी पार्ट डबल एंट्री सिस्टम। तो पहले तो उस क्वेश्चन का आपको मतलब बता दें कि क्या है इसका मतलब, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि जब हम यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एक्सपेक्ट के बेसिस पे उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या उसको हम डबल अकाउंट सिस्टम बोलते हैं या टू फोल्ड सिस्टम बोलते हैं या डबल इफेक्ट सिस्टम बोलते हैं या डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को ले लो, उसमें डुअल एक्सपेक्ट होता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट्स में अपना इम्पैक्ट डालती है। हम यहाँ पे बुक में उस डुअल एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं और जो बिजनेस से जा रही होती है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जब डुअल एक्सपेक्ट को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने के, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, तो इसमें हम दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है डबल अकाउंट सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है, टू फोल्ड सिस्टम भी कोई सिस्टम नहीं है, डबल इफेक्ट सिस्टम भी कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि डुअल एक्सपेक्ट के जरिए अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी पार्ट, क्लियर है। तो बाकी तीनों हमारे यहाँ पे गलत हैं। नंबर 7 कहता है लाइबिलिटीज अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस या नील बैलेंस, सी पार्ट क्रेडिट बैलेंस, डी पार्ट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जो लाइबिलिटीज अकाउंट है कहता बताओ उसका यहाँ पे हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है या उसका बैलेंस होता ही नहीं है, या वो क्रेडिट बैलेंस होता है या कभी डेबिट या कभी क्रेडिट। अब याद रखना, ये चीज़ भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइबिलिटीज जो है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब जब लाइबिलिटी अराइज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी देखें तो लाइबिलिटीज अकाउंट हमारा किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमारी लाइबिलिटी हम लोग कर्जा, तो कर्जा हमें किसी व्यक्ति से ही लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे जिससे हमने कर्जा लिया है उधार लिया है तो वो कोई पर्सन होगा, तो उसके अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, और जब जब पर्सनल अकाउंट गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए लाइबिलिटीज जो होती हैं, और अगर मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक भी देखेंगे
तो उसमें भी आपको मैंने रूल बताया था कि जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट में और कम होती है डेबिट में, इसका मतलब जब भी लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो होगा ही नहीं। अगर हमने पे कर दिए फिर तो नील, बट अगर यहाँ पे नहीं किए तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो दैट मीन्स लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी पार्ट, डेबिट बैलेंस का कभी नहीं होता है। और ये नहीं है कि उसका हमेशा नील बैलेंस आएगा, नील बैलेंस तभी आएगा जब हम यहाँ पे लाइबिलिटी पे कर देते हैं, और डेबिट क्रेडिट वाली ऑप्शन भी हमारे लिए यहाँ पे गलत है। तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट कहता है परचेजेस रिटर्न अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सी पार्ट पर्सनल अकाउंट या डी पार्ट इमेजिनरी अकाउंट। कहता है जो परचेजेस रिटर्न अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है या वो रियल अकाउंट है या वो पर्सनल अकाउंट है या वो इमेजिनरी अकाउंट है। अब चारों में से कौन से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इमेजिनरी अकाउंट तो कोई होता ही नहीं है, तो ये तो सामने हमारा गलत है। परचेज रिटर्न किसी का नाम भी नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट भी नहीं हो सकता। अब बचे हैं दो ऑप्शन, नॉमिनल या रियल। अब इनमें से कौन सी यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे जो परचेजेस होती हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेजेस जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस और इनकम कौन कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल। और अगर हम यहाँ पे अपनी परचेजेस में से कुछ रिटर्न कर देते हैं, इसका मतलब परचेजेस वाला एक्सपेंस हमारा कम हो गया। तो किसी भी एक्सपेंस का कम होने का मतलब है कि एक तरह से हमें वो गेन हो रहा है, यानी कि वो एक्सपेंस गेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए परचेज रिटर्न जो है ये एक तरह से हमारा गेन होता है, क्योंकि जो हमारा खर्चा हुआ किया हुआ खर्चा है उसमें से कुछ खर्चा वापस आ रहा है, क्योंकि जब गुड्स वापस करेंगे तो हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये गेन का अकाउंट है, और गेन एक्सपेंस लॉसेस इनकम के अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल। तो यानी कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज परफेक्ट अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रजिस्टर्ड अकाउंट, डी पार्ट, नन ऑफ दीज। कहता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हम और किस नाम से जानते हैं। आप देखो यहाँ पे जब हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की, तो मेनली इसको टू पार्ट्स में बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी व्यक्ति के नाम का अकाउंट, और जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, और उसमें दो अकाउंट आ जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। दैट मीन्स रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट, परफेक्ट अकाउंट कोई अकाउंट नहीं यहाँ पे, रजिस्टर्ड अकाउंट भी इसमें हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, और नन ऑफ दीज भी यहाँ पे हमारी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सी पार्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड डी पार्ट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट होता है या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट होता है, वो अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमें पेमेंट करनी है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस केस में ये उस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है। नॉमिनल अकाउंट खाली एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं जो एडवांस में एक्सपेंस पे किए हैं, वो नहीं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज जिनको हमने आज सॉल्व किया। तो आज हमारा यहाँ पे सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा, तो इस पर कमेंट ज़रूर करिए, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।